लोग इस वीडियो पे देखेंगे शिक्षण योजना, इसमें सबसे पहले दिनांक कलांश रहेगा। कलांश में चार कालम रहेंगे, पहला कालम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। पहले दिनांक हमें जिस डेट को क्लास में पढ़ाना है वो डेट हम लिख लेंगे। कक्षा 5 है, विषय कल रो है और समय 35 से 40 मिनट है। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे विभिन्न रचनाओं को पढ़ते हैं तथा उन रचनाओं के लेखक, विषयों, पात्रों आदि पर समूह में चर्चा करते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण भक्त नीति माधुरी भाग 1 मीराबाई, इसको हमने 3 भाग में ये पाठ योजना बनाई है। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ पुस्तक कलरो दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री ले सकते हैं। इसके बाद इसकी चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ, इसमें भी चार कालम रहेंगे। पहला कालम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। तो इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में, इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से सूरदास के विषय में बातचीत करेंगे और उनके द्वारा रचित पद्यांश का हाव भाव के साथ बच्चों को सस्वर वाचन करवाएंगे। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियते भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहत बलकी बेनी, ज्यों हुए हैं लांबी मोटी, काढ़त गुहत नुहावत जय हैं, नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावती पच पच, देती न माखन रोटी, सूरज चिरजू ओ दो भैया, हर हल धर की जोटी। तो ये हो गया इनका सूरदास का पद। इसके बाद हम दूसरी हेडिंग है शिक्षण के मध्य में, अब इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 80 पाठ 14 भक्त नीत माधुरी नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेवाड़ के पास चोकड़ी नामक गांव में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनकी रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव था, प्रेम भाव का वर्णन मिलता है। इसके बाद शिक्षक मीराबाई के पदावली का सस्वर वाचन करेंगे और बच्चों को कविता का भावार्थ बताएंगे। अब इसके बाद इसमें ये भावार्थ दिया गया है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, ये वचल गोपाल, ये पूरा पद्यांश है। अब प्रस्तुत यहाँ पे सारांश, ये गलत तरीका है, इसको नहीं लिखना है, यहाँ पे हमने भावार्थ दे दिया है। प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंदलाल अर्थात हे श्री कृष्ण भगवान, आप मेरी आँखों में बस जाओ, जिनके मुकुट में मोर के पंख लगे हों, कानों में मछली की आकृति वाली कुंडल पहने हूँ। वो अब से मन में अपने ऐसे रूप बना रही हैं मीराबाई, उन्हीं के रूपों का, श्री कृष्ण भगवान के रूपों का इसमें वर्णन किया गया है। और माथे पर लाल रंग का टीका लगा हो, श्री कृष्ण की मन को मोहनी वाली मूरत सांवली सूरत और नेत्र बड़े बड़े हों, और आपके होठों पर अमृत रूपी रस का पान कराने वाली बांसुरी हो, और गले में वैजंती की माला हो, छोटी छोटी घंटियों से बनी करधनी आपके कमर पर हो, और रस से भरे हुए घुंघरू आपके पैरों में बंधे हुए हों। अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि संतों को सुख देने वाले प्रभु, आप इस रूप में मेरे नयनों में बस जाओ। तो ये हुआ इसका भावार्थ। अब इसके बाद आता है अगली हेडिंग शिक्षण के बाद में, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर व बातचीत के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। अब इसमें शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जैसे आगे देखते हैं, जैसे इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं मीराबाई के संबंध में। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, पहला प्रश्न हमने लिया। दूसरा प्रश्न, मीराबाई किसकी भक्त थी,
और तीसरा प्रश्न लिया है मीराबाई की रचनाओं में किसका वर्णन मिलता है, यानी किस भगवान का या किस पात्र का वर्णन मिलता है, ये हम बच्चों से पूछेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है मीराबाई ने श्री कृष्ण के किन किन गुणों का बखान किया है। उपर्युक्त प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न दे पाने पर शिक्षक बच्चों को सही व स्पष्ट जानकारी देंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्याम पटकारी, कठिन शब्दों का अर्थ शिक्षक श्याम पट पर लिखेंगे। इसके बाद शब्द अर्थ मकराकृत मीन होता है मछली का आकार, अरुण मीन होता है लाल, भाल मीन होता है मस्तिष्क मस्तक, और अधर मीन होता है ऊंट, और सुधा मीन होता है अमृत, राजत मीन शोभित, उर मीन होता है हृदय, और क्षुद्र घंटिका मीन घुंघरू होता है, और भगत वछल मीन भक्त को स्नेह देने वाले। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्तकार गृहकार असाइनमेंट, इसके लिए 5 मिनट निर्धारित है। बच्चे मीराबाई के पद को घर से याद करके आने को कहेंगे, शिक्षक यानी बच्चों को मीराबाई के पद घर से याद करके आने को कहेंगे। इसके बाद आता है शिक्षक की आगामी कार्य योजना, कक्षा शिक्षण के दौरान आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक और जो है अभ्यास प्रश्नों को शामिल करते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।